हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मम्मी जी यहाँ पे पपीते छिल रही हैं और आज पता नहीं क्यों इतना ज्यादा खुश है मम्मी जी। क्यों खुश है मम्मी जी? देखो ना, ये पपीते का कलर बहुत अच्छा है और टेस्ट। और पहली बार इतने सारे पेड़ थे पपीते के, पर पपीते में दाने नहीं निकलते थे कि मैं उनको दोबारा उगा सकूं के पौधे। तो ये देखो, पपीते में दाने निकले हैं, बाकी में नहीं निकलते थे। अरे तुम कितनी बार तो देखे हो, पपीते में दाने कहाँ निकलते थे। वाह, इसलिए आप खुश हैं इतना ज्यादा। हाँ तो भाई देखो, इसका कलर देखो, बहुत टेस्टी है। खा के देखो इसको। फैमिली, आज है मेरा कॉलेज का पेपर और अभी बज रहे हैं 8 और मम्मी जी बना रही हैं नाश्ता। ब्रेकफास्ट बन गया है, बना रहे हैं, मतलब बन चुका है। आज है नानी ने पोहा। हाय गाइस, तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं रेडी होके कॉलेज। अभी अभी जीनी नहाई है, लुक पूछ रही अपना पानी। बैठ गई चुपचाप। यहाँ पे जिनी लेटी हुई है और भैया जिनी के बाल साफ कर रहे हैं। इतने सारे बाल भैया निकाले हैं जिनी के, इसमें बहुत बाल झड़ रहे हैं इसके। गर्मियों का सीजन है इसलिए डॉगीज वगैरह के बाल झड़ते काफी। ये आराम से बढ़िया मस्त लेटी हुई है। ओ जिनी, मजे ले रही है जिनी, कितना आराम से लेटी है। फैमिली, शाम का वक्त हो चुका है और अभी सनसेट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, पीछे सनसेट हो चुका है और मम्मी जी पेड़ पौधों की केयर कर रही हैं। ये रही मम्मी जी, पेड़ों की केयर कर रही हैं, पानी वगैरह डाल रही हैं। सुबह से शाम तक में, मतलब जैसे धूप होती है तो पेड़ वगैरह सूख जाते हैं, तो शाम को इन्हें पानी वगैरह चाहना होता है ताकि नेक्स्ट डे थोड़ा अच्छे से दिखे। शाम को वो एकदम एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं अगर उनको शाम को पानी दिया जाता है तो। बहुत ही ठंडक महसूस करते हैं और पौधों, गर्मियों में खासकर शाम को ही पानी देना चाहिए गमलों में, इसलिए मैं शाम को पानी देती हूँ गर्मियों में। ये काफी सारे अभी, मतलब जैसे गर्मी के सीजन में ज्यादातर आप फूल वगैरह नहीं देखने पाएंगे, लेकिन मम्मी जी के गार्डन में हमेशा फूल मिलेंगे मिलेंगे। ये प्यारे प्यारे फूल्स, अभी भी मैरीगोल्ड में ये से मेरे गमले भरे हुए हैं। ये पिटूनिया, ये भी है जिनिया। ये रहे कुछ फूल्स, फ्लावर्स, लिली के फ्लावर्स। लिली फ्लावर है। बादल भैया की वो डॉगी है लिली, लिली के फ्लावर्स भी है। इसका भी नाम लिली, एक और वो लिली, अब लिली बोले तो उसकी याद आ गई। फैमिली, रात का टाइम हो चुका है और मार्केट में कुछ काम था मुझे पापा जी को, तो मैं और पापा जी साथ में जा रहे हैं मार्केट, ले चलते हैं मार्केट। जी रहा मार्केट और यहाँ पे अभी तक भागवत चालू थी मंदिर में, तो मैं नहीं आ पा रहा था, पेपर वगैरह चालू था। फिलहाल अभी तो भागवत खत्म हो चुकी है, प्रसाद वगैरह वितरण भी हो चुका है। और ये रहे पापा जी, पता नहीं कुछ डिस्कशन वगैरह चालू है। ये हमारी ये पुरानी दुकान काफी टाइम से थी और इसे किराया वगैरह से दिए हुए थे पापा जी अभी तक, तो यहाँ पे कुछ इशू है, देखते हैं क्या होता है। अभी सब्जी लेने लगे थे हम लोग। अरे हम अपना लाऊ जात तो ना ही ना कहीं हम चिल्ला दे देंगे। पापा जी रुके हैं मार्केट में ही और मैं आ गया हूँ घर। तो सामान कुछ लेके आए थे यार, मैं ये सामान भूल गया था अभी गाड़ी में ही, बाइक में। और
मम्मी जी ये लीजिए सब्जियां। किचन में से रख देते हैं। फैमिली मार्केट से आने के बाद हम लोग मूवी देखने लगे थे RRR। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और खाने का टाइम हो चुका है। मम्मीज बना रही हैं खाना, रोटियां और कद्दू की सब्जी। जल्दी से खाते हैं अपन खाना। फैमिली खाना पीना हमारा हो चुका है और ब्लॉग एडिट हो चुका है और अभी रात के हो रहे हैं 11:15। तो अब हम जा रहे हैं सोने। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।